हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं ढाका T20 लीग में होने वाले आज के तीसरे मुकाबले की। प्राइम बैंक क्रिकेट क्लब और यहां पर शिनेपुकुर क्रिकेट क्लब के बीच में मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम्स अपना एक एक मुकाबला खेल कर आए हैं। दोनों ही टीम्स में से एक टीम, मतलब PVCC की टीम अपना मुकाबला जीत कर आई है, SCC की टीम अपना मुकाबला हार कर आई है। PVCC की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस साथ में MTV स्टैलियन और यहाँ पर MTSV की वीडियो। अभी तक अगर आपने नहीं देखी, ऊपर जाओ आई सेक्शन पर, वो वीडियो आपको आई सेक्शन पर देखने को मिल जाएगी। वहीं से आप अपनी टीम भी बना सकते हो। मेरी टीम के लिए आप टेलीग्राम पर आ जाओ, बट अगर कुछ चेंज नहीं होगा तो MTV स्टेलिन वाली टीम, वीडियो वाली टीम ही फाइनल रहने वाली है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आप देखो तो वैसे तो आठवां मुकाबला है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा प्राइम बैंक क्रिकेट क्लब और शिनेपुकुर क्रिकेट क्लब के बीच में शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में। आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा 5:30 बजे। आप इस मैच को लाइव देख सकते हो, डी स्पोर्ट्स पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। और पता नहीं यार, मेरे टीवी पे तो डी स्पोर्ट्स आता ही नहीं है, पहले आया करता था, अब पता नहीं कहाँ चला गया डी स्पोर्ट्स। उसकी जगह यूरो स्पोर्ट्स आ रहा है, एस स्पोर्ट्स आ रहा है, बट डी स्पोर्ट्स नहीं आ रहा। मैं तो सुबह से यही ढूंढे जा रहा हूँ। ये डिस्कवरी का स्पोर्ट्स चैनल था जो बीच में आया था, पता नहीं इंडिया में इसके राइट्स किसी और ने खरीद लिए हैं या कुछ हुआ है, बट यहाँ पर डी स्पोर्ट्स अभी मेरे टीम में तो नहीं आ रहा, आपके में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। प्रीव्यू की अगर आप बात करो, प्राइम बैंक क्रिकेट क्लब अगर आप देखो तो एक दूसरे के खिलाफ भिड़ते हुए दिखेंगे। कल होना था इनका मुकाबला, रेन की वजह से मुकाबला हुआ नहीं। SCCC एक मुकाबला अपना हार कर आया है MSC के खिलाफ, और प्राइम बैंक क्रिकेट क्लब अपना मुकाबला GCC के खिलाफ, मतलब गाजी ग्रुप के खिलाफ जीत कर आए हैं। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेन है, हो रही है, एक्सपेक्टेड भी है कि रेन होगी भी, तो हो सकता है कि भैया फास्ट बॉलर्स बढ़िया परफॉर्म करें। बॉलिंग डिपार्टमेंट आपको बढ़िया परफॉर्म कर देकर जा सकता है, बट बैट्समैन भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। आपने सुबह से मुकाबले देख भी लिए हैं कि बैट्समैन कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। प्राइम बैंक की अगर हम बात करें तो ए हफीक आपके पास है, ए कपाली, भाई बहुत बढ़िया पिक है कपाली। अभी के लिए प्लेयर्स ने पिक नहीं कर रखा है, बहुत कम सिलेक्शन है, बट अलोक कपाली इज़ अ गुड पिक। आर हसन आपके पास है, एम मिथुन आपके पास है, मिसफिकुर रहमान आपके पास है, उसके बाद अगर आप देखो एन हसन आपके पास है, एन इस्लाम आपके पास है, फिर उसके बाद एन हसन आपके पास है, एन इस्लाम, उसके बाद रोनी तलुकदार। तलुकदार को ड्रॉप मत करना, रख जरूर लेना, चाहे कैप्टन मत रखना, वाइस कैप्टन मत रखना, कुछ मत रखना, इसे बस एज अ नॉर्मल प्लेयर रखना जरूर इस प्लेयर को। आपको याद होगा, मतलब वही बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो 2 साल पहले चली थी, वहाँ पर इस प्लेयर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, इस वजह से इंटरनेशनल टीम में भी आया था। बहुत ज़्यादा मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस इंटरनेशनल टीम में रही, फिर ड्रॉप हो गया, बट एक इंपॉर्टेंट पिक है। तमीम इकबाल की अगर आप बात करो, इज़ अ गुड पिक। तमीम इकबाल पिछले मुकाबले में 46 रन की पारी, बहुत बढ़िया। अनिमुल हफीक 5 रन, फिर उसका रोनी तलुकदार 25 रन की पारी है। तलुकदार को ड्रॉप मत करना, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ। फिर मोहम्मद मिथुन 8 रन की पारी, पिक कर सकते हो मोहम्मद मिथुन को, क्योंकि छोटा मुकाबला हो गया था 12 ओवर्स का, तो मोहम्मद मिथुन अपनी पूरी पारी नहीं खेल पाया था। रकीबुल हसन आपके पास है 5 रन। अलोक कपाली, कपाली इज़ अ गुड पिक, कपाली मेरी टीम में आपको देखने को मिल जाएगा। मिशफिकुर रहमान 2 विकेट, शरीफुल इस्लाम 1 विकेट, एन हसन 2 विकेट। एन हसन की परफॉर्मेंस बढ़िया रही है, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। नजमुल ने 2 ओवर करवाए, नजमुल भी ट्राई कर सकते हो। मिशफिकुर ने 2 विकेट चटकाई 3 ओवर में, बढ़िया परफॉर्मेंस। शरीफुल इस्लाम, ये दोनों प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाले हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में। आई इस्लाम में 2 ओवर में 1 भी विकेट नहीं चटकाई, एन हसन ने 2 ओवर में 2 विकेट चटकाई, बढ़िया परफॉर्मेंस रही। अगर आप SCC की बात करोगे तो टी हैरिडे आपके पास है, हैरिडे आपको पता है इंटरनेशनली खेल भी चुका है। आई सज्जाद आपके पास है, उसके बाद महीदुल इस्लाम आपके पास है, फिर उसके बाद शेख आपके पास है, फिर उसके बाद जॉय चौधरी आपके पास है, रबीउल इस्लाम आपके पास है, उसके बाद एस हुसैन, एस हफीक, एस सुमन खान, उसके बाद आई इस्लाम आपके पास है, तंजिद हसन आपके पास है। अब अगर आप देखो, तंजिद हसन ओपन कर रहा है आपके लिए, बॉलिंग तो नहीं करवा कर देकर जा रहा, बट एक ओपनर आपके लिए। उसके बाद शब्बीर हुसैन आपके पास है, 10 रन की पारी इसके लिए पीछे मुकाबले में। आर इस्लाम ड्रॉप मत करना, ये भी प्लेयर इंपॉर्टेंट है, 25 रन के साथ 1 विकेट। टी हैरिडे आपके पास 1 रन, ये आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, टी हैरिडे स्मॉल लीग में नहीं। उसके बाद एम इस्लाम आपके पास है 20 रन। एम चौधरी की अगर आप बात करोगे तो एम चौधरी 2.5 ओवर्स, मतलब 3 ओवर्स मानकर चलो, 3 ओवर में विकेट इसने 1 भी नहीं चटकाई है, आपकी ग्रैंड लीग का पिक रहेगा। फिर उसके बाद सजीदुल हफीक आपके पास है 12 रन की पारी इसकी रही पीछे मुकाबले में। सुमन खान 23 रन के साथ 2 विकेट, एम शेख 1 विकेट, टी इस्लाम 1 विकेट, और यहाँ पर आई शहजाद 1 विकेट। तो इनके बॉलर्स की परफॉर्मेंस बढ़िया रही है, आप आराम से ट्राई कर सकते हो इनके बॉलर्स को, बट ये पिछला मुकाबला हार कर आए हैं 3 विकेट से, बट स्टिल इन्होंने 7 विकेट तो सामने वाली टीम की आउट कर ही दी थी। तो ये देखकर चलना कि एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए होने वाले हैं, आपके लिए
बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस बॉलिंग डिपार्टमेंट भी देकर जा सकती है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी टीम डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। प्लस साथ में अभी तक अगर आपने ECS T10 कील में जो मुकाबला होने वाला है MTV और MTSV ये मुकाबला नहीं देखा हो, पढ़ाई सेक्शन में जाओ, सबसे पहले मुकाबला देख कर आओ, मतलब वीडियो देख कर आओ कि कैसी वीडियो है, और आप टीम भी वहीं से बना सकते हो। अब अगर आप देखो आपके पास प्लेयर्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, प्लस डिफरेंशियल पिक्स आप किन किन प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले ए हफीक, एम मिथुन मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा, अभी के लिए सिलेक्शन कम है, बट आप ट्राई जरूर करना कि आप एम मिथुन को लेकर जाओ, ए हफीक को नहीं। एम मिथुन के साथ ना एक वो आ जाता है, मतलब एक आपके पास सेफ ऑप्शन आ जाता है, आप ना एक वो कर सकते हो कि हाँ यार चलो सेफ ऑप्शन है मेरे लिए, मैं आराम से ट्राई कर सकता हूँ इस प्लेयर को, वैसा प्लेयर है ये। फिर उसके बैटिंग सेक्शन की अगर आप बात करोगे, तमीम इकबाल आपके पास है, ट्रीडो हसन है ये, ट्राई कर लेना अगर करना चाहते हो। रोनी तालुकदार एक इंपॉर्टेंट पिक, ड्रॉप नहीं होगा रोनी तालुकदार मेरी टीम में से, तो एटलीस्ट नहीं होने वाला है, आपकी में से होगा नहीं होगा वो आपको पता होगा। फिर उसके टी हसन, अगर कोई और प्लेयर प्लेइंग 11 में नहीं आता तो फिर मैं टी हसन ही लेने वाला हूँ, या तो टी हसन या हुसैन, मतलब थोड़ा सा सिलेक्शन बाय के साथ भी जाने वाला हूँ। उसके बाद अगर आप देखो ऑलराउंडिंग सेक्शन में आर इस्लाम, फिर उसके टी हेरिडे और अलोक कपाली, ड्रॉप मत करना कपाली को भी, कपाली इंपॉर्टेंट पिक है। उसके बाद एम हुसैन आपके पास है, यहाँ पर आई रोनी को आप ट्राई कर सकते हो, जिसकी सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 0.98, 1% भी सिलेक्शन नहीं है। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन एम रहमान, एन हसन, टी इस्लाम ट्राई कर सकते हो, बट मैं जो आपको बोलूँगा वो बोलूँगा भैया यहाँ पर आ जाओ, नीचे आते रहो, एम नजमुल इस्लाम एक इंपॉर्टेंट पिक, एम शेख एक इंपॉर्टेंट पिक, तो इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर ही फोकस करना थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये प्लेयर्स भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करके देकर जा सकते हैं, और आपके लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म करके देकर जा सकते हैं। कैप्टेंसी वाइज अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेयर्स को आप आराम से कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी दे सकते हो। सबसे पहली टीम की अगर हम बात करें, तमीम इकबाल एज अ कैप्टन वाइज कैप्टेंसी यहाँ पर रहमान को दे रखी है, मिथुन और एम इस्लाम है। एम इस्लाम को अगर पिक नहीं करना चाहते इसे ड्रॉप कर दो, एक ऑलराउंडर या नहीं तो एक बैट्समैन या नहीं तो एक बॉलर, मेरे हिसाब से एक एक्स्ट्रा बॉलर ज़्यादा सेफ रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि एक ऑलराउंडर या नहीं तो एक बैट्समैन, तो वो चीज़ देखकर चलना। उसके बाद ए रोनी तालुकदार, टी हसन, आर इस्लाम, एम हुसैन, आई रोनी, जैसे मैंने आपको बताया आई रोनी मैंने ट्राई करा है, फिर उसके बाद इस्लाम और एच मुराद, पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रीन लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन तो यही रहने वाले हैं, बट अगर आप किसी और बॉलर को वाइस कैप्टन या किसी और मतलब प्लेयर को कैप्टन बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। दूसरी टीम की अगर हम बात करें, कैप्टेंसी दे रखी है, वो दे रखी है टी इकबाल वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर, एम मिथुन, फिर उसके बाद ए अफीक, रोनी तालुकदार, एस हुसैन, आर इस्लाम, एन इस्लाम, टी हेरिडे, एम रहमान, एन हसन और टी इस्लाम, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। प्योरली ग्रैंड लीग की टीम है, थोड़े बहुत चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो, प्लेइंग 11 आएगी तो मैं आपको टीम भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ऊपर आई सेक्शन में आपको ECS T10 की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।